अच्छा जी दोस्तों, जब आप लोगों के पास हैमस्टर के कॉइन या कोई भी कॉइन आ जाते हैं बैनांस में, OKX में, वैलेट में, किसी भी वैलेट में आ जाते हैं, और आप लोगों ने उन कॉइन को USDT में कन्वर्ट करना, तो वो कैसे करना है, ये आज की वीडियो बड़ी अहम है, इसको आप लोग देख लें। अच्छा जी, आप लोगों ने ट्रेड में चले जाना है। ट्रेड में चले गए जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने जहाँ पे लिखा हुआ है सेल, सेल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेल पे क्लिक करने के बाद आप लोग ने ये देख लें, ऊपर लिखा हुआ है BTC over USDT। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास कैटी कॉइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा कैटीजन या कैटी या जो भी प्रोजेक्ट का नाम हो। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आप देख लें यहाँ पे इसको टिक कर देना है। ठीक है, तो टिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। तो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा जी, अब देख लें यहाँ पे पहले BTC था, अब ये CATI over USDT आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट का, मतलब जो भी प्रोजेक्ट हो, हैमस्टर हो, कोई भी हो, आप लोग ने इस एरो पे जाके उसको ऊपर रखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे डार्क कॉइन है, तो मैं डार्क को ऊपर रखूंगा, USDT को नीचे रखूंगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नीचे सेल के नीचे लिखे हुआ लिमिट, इसको आप लोगों ने मार्केट में लिखना है। ठीक है, मार्केट सेलेक्ट कर लेना। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इस पट्टी को फुल 100% कर देना है। ठीक है, 100% करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के जितने कॉइन होंगे वो भी शो होंगे, USDT भी शो होंगे, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। आप लोगों को जब लगे कि ये, मतलब इस कॉइन की कीमत, इस मिसाल के तौर पर एक डॉग की कॉइन है मेरा और वो $1 के बराबर आ रहा है, आप लोगों को लगे कि ये ठीक है, तो आप लोगों ने सेल कैटी पे के क्लिक करना है। ठीक है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के जितने भी USD है वो कॉइन होंगे वो USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों के वैलेट में यहाँ पे फिर शो हो जाएंगे। ठीक है, जो फिर आप लोग यहाँ से चेक कर लेना, मेन वैलेट में आ जाएंगे।